आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की इंतजार में थे उनके लिए आज एक खुशखबरी आई हुई। यूपी ट्रिपल एससी ने प्रस्तावित पीईटी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो ऐसे में जो 2 टीयर लेवल एग्जाम होना है, तो पहला आपका जो एग्जाम है वो पीईटी के फॉर्म में होगा। जैसा कि मैं पहले अभी आपको एक वीडियो बता चुका हूँ, उसका सिलेबस भी वही है जो पहले आपका मार्च में जारी हुआ था। कुल 100 अंकों की परीक्षा होगी और इन 100 अंकों की परीक्षा को सिर्फ एक अर्हताकारी परीक्षा के रूप में लिया जाएगा। तो आइए देर न करते हुए इस परीक्षा के कुछ चीजों के बारे में आपको बता देता हूँ मोटा मोटा, और बाकी फॉर्म कैसे भरना। फॉर्म भरने से पहले आपका ये वीडियो पूरा जरूर देख डालना। मैंने फॉर्म भरने का पूरा तरीका आपको बताया हुआ, जैसा फॉर्म आप भरोगे ऑनलाइन फॉर्म, तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, मैं आपको आपको सैंपल ऑनलाइन फॉर्म भर के दिखाता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। ये नोटिफिकेशन आया हुआ जो कि आपको यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट यानी UPSSC.gov.in पर अवेलेबल है। आप यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर दिया हुआ है, उस पर एक लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। आवेदन करने की आपका तारीख शुरू हो रही 25 मई से और आप आवेदन कर सकते हो 21 जून तक, राइट। आवेदन में संशोधन आप 28 जून तक कर सकते हो। सिर्फ आप हाई स्कूल पास हो तब भी काम चलेगा। एज आपका 18 से 40 के बीच में होगी। ज्यादा डिटेल के लिए आप प्लीज इस पूरे पूरे नोटिफिकेशन को देख लेना। अगर कोई आपका सवाल है तो आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया हुआ है उस पर आप संपर्क कर सकते हो। अगर कोई भी चीज आप जानना चाहते हो, कोई भी अगर आपके दिमाग में संशय है, तो आप निसंकोच आपका दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उस पर आप व्हाट्सएप करिए अपनी समस्या को, हम आपका उसका समाधान बताएंगे। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। कुछ भी ऐसा नहीं है यार, हाई स्कूल पास हो, 18 से 40 के बीच की एज आपका होनी चाहिए। कुछ केसेस में आपका अधिकतम एज सीमा में आपको छूट भी मिली हुई है। बाकी सारी चीजें आप यहाँ पर देख लेना, मैं आपको बाकी फिर से बताता हूँ कि आपको करना क्या क्या है। सारी चीजें करने के बाद आपको सिर्फ आपका कुछ छोट पेमेंट्स भी थोड़े बहुत लग रहे हैं यहाँ पर ना आपको। उसके बाद जब आप आओगे तो आपको लास्ट में यहाँ पर सिलेबस भी अटैच किया हुआ है, और सिलेबस वही है, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं छोटी छोटी। 5 नंबर का हिस्ट्री है, 5 नंबर का नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ज्योग्राफी भी 5 नंबर का, इकोनॉमी भी 5 नंबर का है, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन से भी 5 नंबर के सवाल है, जनरल साइंस से 5 नंबर सवाल, ऐसे जिनका मैथ्स बड़ा कमजोर है जो ये कहते रहते हैं सर यार मैथ्स कैसे निकलेगा, लड़कियां खासतौर पर ना जो मैथ्स को लेकर परेशान रहती हैं उनको बिल्कुल यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। 5 नंबर की मात्र मैथ्स है। सामान्य हिंदी भी मात्र 5 नंबर की ही है। उसके बाद जनरल इंग्लिश को भी 5 नंबर का रखा गया हुआ, क्योंकि आजकल भाई क्लर्क को भी इंग्लिश की काफी रिक्वायरमेंट होती ना, तो क्लर्कल कैडर की जॉब में खासतौर पर ग्रुप सी की जॉब जो समूह गा की है उनके लिए यहाँ पर अंग्रेजी की महत्ता को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। रीजनिंग भी 5 ही नंबर का है, करंट अफेयर्स जरूर 10 नंबर का, साथ साथ में जनरल अवेयरनेस भी 10 नंबर का है। यानी जीएस और करंट अफेयर्स और जीए का रोल ज्यादा है, इनके मार्क्स ज्यादा है। हिंदी में साथ साथ दो आपको अपठित गद्यांश मिलेंगे, और ये आपका दो चीजें ध्यान दीजिएगा, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण यानी ग्राफ एनालिसिस 2 सवाल होंगे 5-5 नंबर के, और टेबल एनालिसिस ये भी 2 सवाल होंगे 5-5 नंबर, यानी 10-10-20 नंबर आपका सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई से होंगे। अब आगे बात करते हैं आपका, इसके बाद जो है कि आपको फॉर्म वगैरह कैसे फिलअप करना, तो आप खोलेंगे साइट UPSSC.gov.in। यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन का कॉलम है उसमें जाएंगे। जब नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर राइट साइड में अप्लाई नजर आ रहा होगा, नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक भी दिया हुआ है। इस अप्लाई को क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से विंडो खुलेगी। इस विंडो में आपको यहाँ पर आएगा ये कि उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस कमीशन यानी UPSSC, ये अपने प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको शॉर्ट में हम पीईटी कह रहे हैं 2021 के लिए एप्लीकेशन ले रहा। यहाँ इन्होंने आपका सारी चीज बताई कि डेट आपका जो एज कैलकुलेशन के लिए डेट है वो 1 जुलाई 2021 है, वहां से एज कैलकुलेशन रहेगा। साथ साथ बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स भी दी हुई हैं, क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीजें यहाँ पर आपका है। आपको यहाँ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना, जब कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल के आएगी, और इसमें पूछा गया कि आपने इससे पहले कभी भी ऑनलाइन एग्जाम मेथड से आपने यहाँ पर अप्लाई किया UPSSC एजेंसी में कभी की नहीं। हैव यू एवर बीन अप्लाइड ऑनलाइन अगेंस्ट एनी पोस्ट कंडक्टेड बाई UPSSC, यस या नो में जवाब देना। अगर आपने यूपीएससी की किसी परीक्षा के लिए अप्लाई कर रखा तो यस जवाब दीजिए, अदरवाइज आपका जवाब नो होगा। अगर हम यहाँ पर नो करके प्रोसीड करते तो एक विंडो खुलेगी जिसमें आपको ये विवरण होने चाहिए कि हाई स्कूल की आपका मार्कशीट
जनरली आप अपने जितने भी जो एकेडमिक्स के आपका मार्कशीट्स वगैरह वो साथ में रख लीजिए, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के आपके मार्कशीट उनमें कितना परसेंटेज आया, रोल नंबर वगैरह। उसके बाद अगर आपका कोई भी किसी भी तरीके का आरक्षण का अगर आप पास कोई भी तरीके का अगर आपका सर्टिफिकेट है तो वो, ये सारी चीजें आप पास होंगी। फिर आपको अपना एक ईमेल आईडी भी होना चाहिए और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपका एक्टिवेट होना चाहिए, इन्हीं दोनों माध्यम से सूचना आनी चाहिए। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप अपना डालिए और वो इंश्योर रखिए कि चालू हालत में बने रहें। इन सब के बाद यहाँ पर आई एक्सेप्ट अबाउट डिक्लेरेशन, आई एक्सेप्ट करेंगे। अब ये विंडो खुलेगी, इस विंडो में आपके पास पांच पांच सेक्शन है, रजिस्ट्रेशन, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, फाइल रिमेनिंग डिटेल, फिर उसके बाद फीस डिपोजिशन एंड फाइनल सबमिट, और बाद में प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक बार आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप फोटो अपलोड करोगे, सिग्नेचर अपलोड करोगे, जो आपकी फाइल रिमेनिंग डिटेल, जो आपको बाकी डिटेल्स बचती वो आपको फाइल करनी होगी यानी जब भरनी होगी। उसके बाद आपको फीस डिपॉजिट करनी होगी, लास्ट में आप प्रिंट ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप अपना नाम कैपिटल लेटर में डालोगे, राइट, और डालने के बाद ये मैक्सिमम 35 करेक्टर का हो जाता है, इतना तो यह सबका आ जाता है। फिर आप अपने फादर या हस्बैंड का नाम डालोगे, मदर्स का नाम डालोगे। इसके बाद आपसे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आर यू डोमोसाइल ऑफ यूपी, आप यूपी के निवासी हैं। तो ज्यादातर लोग आपका यहाँ पर यूपी के निवासी होंगे, वो आपका यस करेंगे, जो नहीं है वो यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा आर यू गवर्नमेंट या एक्स गवर्नमेंट एम्प्लाई आप उत्तर प्रदेश, तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आपको जवाब के फॉर्म में क्या देना, कि भाई आप अगर उत्तर प्रदेश सरकार के एम्प्लाई हो तो यस करोगे, नहीं हो तो आपका नो करोगे। आपका होम स्टेट आपको चुनना कि वो यूपी है या कोई और दूसरा स्टेट है। इसके बाद आपका होम डिस्ट्रिक्ट चुनना है, आपको अपनी कैटेगरी चुननी है कि कौन सी कैटेगरी में आप आते हो, है ना, वो जनरल है आपका या फिर ओबीसी है, एससी है या ईडब्ल्यूएस है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालना है, जेंडर आपका अपना मेल फीमेल यहाँ पर सेलेक्ट करना, मैरिड का ऑप्शन आपको देखना है कि मैरिड है या अनमैरिड है, मोबाइल नंबर डाल देना और ईमेल आईडी अपना डालना। इतनी इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपको फिर एकेडमिक्स डिटेल भरनी है, हाई स्कूल आपका बोर्ड का नाम जो भी आपका रहा वो डालना है, किस साल आपने पास किया, आपका रोल नंबर क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम आपका था या नहीं। अगर आपको ग्रेड मिलता है, जैसे आपका सीबीएसई वाले बच्चों को ग्रेडिंग मिलती है, यूपी वालों के मार्क्स आते हैं, तो आप वहां पर अगर आप सीबीएसई वगैरह से आईसीएसई से बिलोंग करते हैं, आपके ग्रेडिंग सिस्टम अगर अप्लाई रहा है तो आप ग्रेड सिस्टम में यस करोगे, नहीं तो आप नो करोगे। जब नो करोगे तो यहाँ ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आप ऑब्टेन मार्क्स की जगह पर जितने नंबर आप आए थे वो डालोगे, टोटल मार्क्स की जगह पर कुल मार्क्स डालेंगे, परसेंटेज जितना निकलेगा वो डालोगे। अगर आपने इंटरमीडिएट भी कंप्लीट कर रखा तो यहाँ टिक करेंगे। अब आपको इंटरमीडिएट के बोर्ड का नाम और बाकी सारी चीजें फिर वैसे के वैसे डालनी होंगी, अपना रोल नंबर, ग्रेड, नहीं तो ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स। अगर जिन लोगों ने आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा हुआ है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है तो आप यहाँ पर यस कर लोगे। साथ में आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालोगे, जिस साल पास हुए हुए आपको सर्टिफिकेट या रोल नंबर, साथ में जिस तारीख को इशू हुआ वो, और आपको यहाँ पर सिर्फ से ग्रेड या फिर मार्क्स आपको डालने हैं। यहाँ पर अगर ग्रेड नहीं तो आपको ऑप्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और परसेंटेज, तीन चीजें डालनी होगी। पहले आपका जब आप इसको नो करेंगे तो नो करने पर आपको तीन चीजें आएंगी, एक तो ऑप्टेन मार्क्स आएगा, फिर टोटल मार्क्स आएगा और उसके बाद परसेंटेज बनेगा। ऐसे ही अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालिए और डालने के बाद आप यहाँ तक पहुंचेंगे। आप जो कैप्चा आ रहा है उस कैप्चा को यहाँ पर डालेंगे, सबमिट कर देंगे, तो आपका ये पहला वाला आपका पूरा हो जाएगा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का। आपके पास फोन नंबर और ईमेल पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा धैर्य रख सकते हो। अब आपका अगला नंबर आता है फोटो अपलोड करने का और सिग्नेचर करने का। तो फोटो अपलोड करने में और सिग्नेचर करने में आप पहले से अपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स रखिए। आपको नोटिफिकेशन में ऑलरेडी दिया हुआ कि आपका साइज क्या होना चाहिए फोटो का और सिग्नेचर का, और वो फोटो आपको और सिग्नेचर दोनों को बस आपको स्कैन किए हुए उनको क्या करना है, ब्राउज करके अपलोड कर देना। बाद में फिर कुछ और भी आपकी इंफॉर्मेशन आपका चाहिए होगी वो आपको यहाँ पर भरनी होगी तीसरे वाले सेक्शन में। देन आपका चौथे चरण में नंबर आएगा फीस डिपॉजिशन का, जो कि आप नेट बैंकिंग के जरिए या फिर कार्ड वगैरह के जरिए कर सकते हैं। जब एक बार आपका फीस कंफर्मेशन आ जाएगा तब आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने से आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हो रहा, जब तक आपकी फीस कंफर्मेशन नहीं आ जाएगा, एंड देन उसके बाद अपना प्रिंट निकाल के सुरक्षित रख सकते हैं, राइट। तो इतना काम जल्दी से कर डालिए। मेरा आपको सुझाव क्या है कि ये काम आपका फटाफट कर डालो, क्योंकि कई बार आपका साइट डाउन होती, तमाम बार और चक्कर आपका आते हैं, तो इन सबसे
हट के फटाफट आपका रजिस्ट्रेशन करने में आपका जुट जाओ। अगर किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आती है तो निसंकोच आपका हमसे पूछे हिस्टोरिक का ऑनलाइन क्लासेस आपको निश्चित तौर पर मदद करेगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, जिससे आपको हम इससे रिलेटेड आपको ऑनलाइन क्लासेस की सूचनाएं और भी बाकी तरीके की सूचनाएं देते रहें। धन्यवाद।